वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज है 10 जुलाई। 10 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज बनते हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं पहले एमसीक्यू से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है मोस्ट ऑफ द मीथेन ऑन अर्थ हैज़ ए बायोलॉजिकल ओरिजिन। सेकेंड स्टेटमेंट है ऑन अर्थ हाइड्रोथर्मल वेंट्स ऑन सी फ्लोर्स आर नोन टू रिलीज मीथेन एट ए वेरी हाई रेट। कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? ए ओनली वन, बी ओनली टू, सी बोथ वन एंड टू, डी नन ऑफ द अबव। कौन सी स्टेटमेंट सही है? ओनली टू। डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। ऑन अर्थ हाइड्रोथर्मल वेंट्स ऑन सन फ्लोर्स ऑन सी फ्लोर्स are known to release methane, but this happens at a very slow rate. इसमें सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि स्लो रेट पे है, हाई रेट पे नहीं है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट नहीं लिखा है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अक्सर एग्जाम में ये गलती हो जाती है इंसान से। हमें अगर यहाँ पे लिखा होता चूज द करेक्ट स्टेटमेंट तो आंसर क्या रहता? ऑप्शन ए ओनली वन। यहाँ पे करेक्ट और इनकरेक्ट के चक्कर में ऑप्शन ए या बी मार्क हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सिंगल यूज प्लास्टिक। पहली स्टेटमेंट है दे आर मेड प्राइमरली फ्रॉम फॉसिल फ्यूल बेस्ड केमिकल्स। सेकेंड स्टेटमेंट है इट कैन प्रिवेंट फूड वेस्ट कीपिंग फूड एंड वाटर फ्रेशर फॉर लॉन्गर एंड रिड्यूसिंग द पोटेंशियल फॉर कॉन्टेमिनेशन। पहला ऑप्शन है ओनली वन, बी ओनली टू, सी बोथ वन एंड टू। इसका राइट आंसर है दोनों स्टेटमेंट सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट गाम्बिया। गाम्बिया याद रखिएगा। पहली स्टेटमेंट है इट इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इज मेनलैंड अफ्रीका। इट्स बॉर्डर इंडियन ओशन। इट बॉर्डर्स इंडियन ओशन। थर्ड स्टेटमेंट है इंडिया रिसेंटली साइनड एन MOU विद इट इन गवर्नेंस। किसके साथ? गाम्बिया के साथ। क्या ये सही है? जी हाँ, ये थर्ड स्टेटमेंट सही है। इसका राइट आंसर है सी वन एंड थ्री। इसका बॉर्डर आता है अटलांटिक ओशन, ना कि इंडियन ओशन के साथ। गाम्बिया का याद रखिएगा, इट बॉर्डर्स अटलांटिक ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। पहली स्टेटमेंट है इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सेकेंड स्टेटमेंट है इट कंसिस्ट ऑफ ए चेयरपर्सन एंड थ्री मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। क्या इसके एक चेयरमैन और तीन मेंबर होते हैं जो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में? ऑप्शन में देखते हैं क्या है, ओनली वन, बी ओनली टू, सी बोथ वन एंड टू, डी नन ऑफ द अबव। जी हाँ, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। यहाँ देख लेते हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इज द कंपटीशन रेगुलेटर इन इंडिया। इट इज़ ए स्टैचुटोरी बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ना के कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये स्टैचुटोरी बॉडी है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग द कंपटीशन एक्ट 2002 एंड प्रमोटिंग कंपटीशन थ्रू आउट इंडिया एंड टू प्रिवेंट एक्टिविटीज दैट हैव एन एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन इन इंडिया। CCI consists of a chairperson एंड सिक्स मेंबर्स, नॉट थ्री मेंबर्स। कितने मेंबर होते हैं? सिक्स मेंबर्स, एक चेयरपर्सन होता है, अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट बाय प्रेसिडेंट। इसकी बात कर रहे थे हम कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट जल जीवन मिशन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, चाहे वो JKSSB हो, SSC हो, CGL, कोई सा भी इंपॉर्टेंट, NDA का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट जल जीवन मिशन? पहली स्टेटमेंट है इट इज़ बेस्ड ऑन कम्युनिटी अप्रोच। सेकंड स्टेटमेंट है इट एम्स टू प्रोवाइड सेफ एंड एडुकेट ड्रिंकिंग वाटर थ्रू आउट थ्रू इंडिविजुअल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन बाई 2024 टू ऑल हाउस होल्ड इन रूरल इंडिया। स्टेटमेंट तो सही है, अब देखते हैं डेट सही है कि नहीं। इट वॉज लॉन्च्ड इन 2020, क्या ये सही है? पहला ऑप्शन है ए 1 in 2 ओनली, बी 1 in 3 ओनली, सी 2 in 3 ओनली, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या है? ए 1 in 2 ओनली। इट वॉज लॉन्च्ड इन, यहाँ दिखा देते हैं, 15 अगस्त 2019। जल जीवन मिशन कब लॉन्च हुआ है? 15 अगस्त 2019, ना कि 2020। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ह्यूमन पपिलोमा वायरस, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं इसे? HPV, पपिलोमा वायरस। ये इस तरह से करके मैं इसलिए क्वेश्चन बनाता हूँ ताकि स्टेटमेंट लिख के इसमें से बहुत सारे एक ही ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे क्वेश्चन सामने आ जाते हैं। अगर इस तरह से लिखेंगे हु वाज द व्हाट वाज द, उस तरह से करके लिखेंगे तो एक ही क्वेश्चन डिस्कस होगा। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के अंदर पैदा हो जाते हैं इस तरह से, अगर लिखने से स्टेटमेंट के हिसाब से तो उस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ह्यूमन पपिलोमा वायरस। पहली स्टेटमेंट क्या है? इट इज़ नोन फॉर काजिंग वार्ट्स। सेकंड स्टेटमेंट है इट इज़ द मेजर काज ऑफ सर्विकल कैंसर। थर्ड स्टेटमेंट है द वायरस इज ट्रांसमिटेड थ्रू इंटीमेट कॉन्टैक्ट लाइक सेक्शुअल इंटरकोर्स, ओरल एंड अनल सेक्स। फर्स्ट एंड थर्ड या ऑल ऑफ द अबव, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? जी हाँ, इस क्वेश्चन की सभी स्टेटमेंट सही हैं, इसे याद रख लीजिए। ये होती कैसी? द वायरस इज ट्रांसमिटेड थ्रू इंटीमेट कॉन्टैक्ट लाइक सेक्सुअल इंटरकोर्स, ओरल और अनल सेक्स। पपिलोमा वायरस किसकी कैसे फैलती है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट कोविड एमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम पैकेज फेज सेकेंड। फेज टू में क्या है? पहले स्टेटमेंट की देखते हैं। इट हैज़ ए सेंट्रल सेक्टर एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कंपोनेंट। क्या एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये? सेकंड स्टेटमेंट है इट एम्स टू एक्सेलरेट हेल्थ सिस्टम प्रिपेयरनेस फॉर इमीडिएट रिस्पॉन्सिवनेस फॉर कोविड एमरजेंसी। थर्ड स्टेटमेंट है अराउंड ₹23,000 करोड़ हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-22। पहला ऑप्शन है ओनली वन, बी 1 in 2 ओनली, सी 2 in 3 ओनली, डी ऑल ऑफ द अबव। कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है इसमें? इसमें सारी स्टेटमेंट सही है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट ECLGS स्कीम। ECLGS स्कीम के रिलेटेड कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहली स्टेटमेंट है इट एम्स टू प्रोवाइड 100% गारंटीड कवरेज टू द बैंक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस इन ऑर्डर टू एनेबल देम टू एक्सटेंड एमरजेंसी क्रेडिट टू बिजनेस एंटिटीज। सेकंड स्टेटमेंट है इट एम्स टू प्रोवाइड
2 लाख करोड़ वर्थ ऑफ कोलेटरल फ्री गवर्नमेंट गारंटीड लोन लोन्स टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME। पहला ऑप्शन है वन ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ वन एंड टू, डी नन ऑफ द अबव। पहली स्टेटमेंट ही सही है। ECLGS स्कीम के लिए आप देखते हैं कि कितना पैसा प्रोवाइड हुआ था। द ECLGS वाज लॉन्च्ड एज पार्ट ऑफ द 20 लाख करोड़ COVID-19 रिलीफ पैकेज कॉल्ड द आत्मनिर्भर भारत अभियान। द स्कीम एम्ड टू प्रोवाइड 3 लाख करोड़ वर्थ ऑफ कोलेटरल, ना कि 20 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ वर्थ ऑफ कोलेटरल फ्री गवर्नमेंट गारंटीड लोन्स टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस अक्रॉस इंडिया टू मिटिगेट द डिस्ट्रेस कॉज्ड बाय कोरोना वायरस इंक्लूड इंड्यूस्ड लॉकडाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स AU, ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स। पहली स्टेटमेंट है AU इज ए प्रोग्राम अंडर द एजिस ऑफ द वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन सेफ फ्रेमवर्क ऑफ स्टैंडर्ड्स टू सिक्योर एंड फैसिलिटेट ग्लोबल ट्रेड। सेकंड स्टेटमेंट है AU इज ए मैंडेटरी प्रोग्राम, ए ओनली वन, बी ओनली टू, सी बोथ वन एंड टू, डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ए। AU इज ए मैंडेटरी प्रोग्राम, यहाँ देख लेते हैं क्या है। AU इज ए वॉलंटरी प्रोग्राम, नहीं कि मैंडेटरी प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। पहली स्टेटमेंट है इट इज एन इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनेटेड इन 1948। सेकेंड स्टेटमेंट है एज ऑफ जून 2021 इट हैज 38 मेंबर्स मेंबर कंट्रीज, एज ऑफ जून 2021 इट हैज 38 मेंबर कंट्रीज। थर्ड स्टेटमेंट है इट इज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ OECD। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन से करेक्ट हैं, ए ओनली वन एंड टू, बी ओनली वन एंड थ्री, सी ओनली टू एंड थ्री, डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ओनली वन एंड टू। देख लीजिए ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के रिलेटेड, इट इज एन इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंट इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनेटेड इन 1948, राइट। सेकंड स्टेटमेंट है एज ऑफ जून 2021 इट हैज 38 मेंबर कंट्रीज, कितनी कंट्रीज थी, 38, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की मेंबर। थर्ड स्टेटमेंट क्या रॉन्ग है, इट इज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ OECD, इंडिया इज नॉट मेंबर ऑफ OECD। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि देखा जाता है लो लेवल का एग्जाम है, इंटरमीडिएट लेवल का, हाई लेवल का, उसी हिसाब से जो स्टैंडर्ड होता है उसी तरह का ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैक्सिमम ये क्वेश्चन तो हर हर स्टेज लेवल पे आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। पहली स्टेटमेंट है इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट लीड्स इंटरनेशनल एफर्ट्स टू डिफीट हंगर। इट इज एन इंटरनेशनल इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट लीड्स टू इंटरनेशनल एफर्ट्स टू डिफीट हंगर। इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन रोम। रोम में कहाँ पे, कौन से देश में, इटली में। ऑप्शन ए ओनली वन, बी ओनली टू, सी बोथ वन एंड टू, डी नन ऑफ द अबव। इसकी सेकंड स्टेटमेंट ही सही है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, रोम इटली में। इसका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का देख लेते हैं पहले स्टेटमेंट को। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड लीड्स
इंटरनेशनल एफर्ट टू डिफीट हंगर, ये क्या है? इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ना कि इंटरगवर्नमेंटल, इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यह है स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस दैट लीड्स इंटरनेशनल एफर्ट्स टू डिफीट हंगर। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है 9 जुलाई की करंट अफेयर्स, वो एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि आगे आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली बात मत कीजिए। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है, एक डेट फिक्स कर लीजिए कहाँ से आगे हमें कंटिन्यू देखना है करंट अफेयर्स। मान लीजिए 1 तारीख से देखना है, 5 तारीख से करना है, उस तरह से एक एक सीरीज़ बना के चलिए, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं ऐसा कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होगा जो मैं डिस्कस नहीं करूँगा आपके साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।